चीन में 19 साल के बौद्ध भिक्षु की पहले गिरफ्तारी फिर जेल में निर्मम हत्या के आरोप की आग हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित मिनी ल्हासा यानी निर्वासित तिब्बतियों के निवास स्थान मैक्लोडगंज में भी भड़क उठी है। यहां अपने मुल्क से चीन की दमनकारी नीतियों के चलते बगैरत हो चुके निर्वासित तिब्बतियों ने चीन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चीन को निहत्ते और लाचार बौद्ध भिक्षुओं के साथ दरिंदगी न करने की चेतावनी दी है। निर्वासित तिब्बत के युवा संगठन ने चीन सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करते हुए उसे सुधर जाने की धमकी भी दी है, साथ ही इसकी भारी कीमत चुकाने के भी ऐलान किया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासितों की जिंदगी जी रहे तिब्बती आज भी अपने हक हकूक और आजादी के लिए आए दिन कोई न कोई आंदोलन करते नजर आ ही जाते हैं। अब की बार निर्वासित तिब्बती युवा संगठन की ओर से धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जोरदार आंदोलन किया गया और चीन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की गई। दरअसल इन युवा निर्वासित तिब्बतियों की माने तो चीन सरकार ने चीन में उनके एक 19 साल के युवा बौद्ध भिक्षु को न केवल गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उसे चीन की जेल में बड़े ही निर्मम तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। निर्वासित तिब्बत के युवा संगठन के कार्यकर्ता और लेखक तेजनिन शुंडू ने बताया कि चीन हमेशा ही अपनी दमनकारी नीतियों के लिए जाना जाता रहा है। चीन ने पहले तिब्बत, फिर ताइवान, हांगकांग समेत कई पड़ोसी राज्यों के नाक में दम कर रखा है। आज अगर चीन की खिलाफत नहीं की गई, उसकी दमनकारी नीतियों को नहीं दबाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपने बलबूते हर देश को अपने कब्जे में कर लेगा। मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं यहाँ का तिब्बती कार्यकर्ता हूँ और लेखक हूँ, धर्मशाला में रहता हूँ। आज हम यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि चाइना ने एक तिब्बती युवा, 19 साल का एक युवा, वो भी एक बौद्ध भिक्षु है, उसको पकड़ के उसको जेल में मारे और उसको मार मार के उसकी जान ले ली है, उसके देहांत हो गया है। और इसलिए आज हम यहाँ उपस्थित यहाँ खड़े हैं चाइना के खिलाफ ये आवाज़ उठाना और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आप जिस चाइना से ये बिजनेस कर रहे हैं वो ऐसा कोई आम सरकार नहीं है। चाइना पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और उसी तरह से इंडिया के ऊपर लड़ाई किया, उस तरह से ताइवान, हांगकांग पूरी जगह में वो लड़ाई कर रहे हैं, उसको ये ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक मौका है हम सब मिलके आवाज़ उठाना है चाइना के खिलाफ और अपनी आज़ादी के लिए।